और तमिलनाडु के एमआईएम के प्रेसिडेंट जनाब वकील साहब, मैं सबसे पहले जनाब तिरुवल्लुवर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों के साथ आज इफ्तार और रोजा खोलने का मौका मिला। मैं आप तमाम से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आपको तरावीह पढ़ने के लिए भी जाना है। मैं सिर्फ दो तीन बात आपसे करना चाहूंगा। एक तो ये कि जनाब तिरुवल्लुवर साहब ने जो जज्बे का मुजाहरा किया है वो काबिल मुबारकबाद है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के मुजाहरे से हमारे मुल्क में जो कंपोजिट कल्चर है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो इस मुल्क का इतिहास, उसका प्लुरलिज्म है, वो इससे मजबूत होगा। दूसरी बात मैं आपसे जो हल करना चाहूँगा वो ये है कि मेरा मानना ये है कि आने वाले आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में ना कांग्रेस ना बीजेपी गवर्नमेंट बना सकेगी उस वक्त तक जब तक रीजनल पार्टीज और स्मॉलर पार्टीज इस बात का डिसीजन नहीं ले लेते। ये एक रियलिटी है, ये पॉलिटिकल रियलिटी है, और ये नेशनल पार्टीज को बात समझना चाहिए। 2009 में कांग्रेस पार्टी को पावर मिला, वो नाकाम साबित हुए बीजेपी को। 2014 में बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी ने अखिलियतों पर और हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने की पूरी कोशिश की, और आए दिन आप देखते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटीज पर, दलित पर जुल्म और ज्यादती की जा रही है। और खुद कर्नाटका का ये रिजल्ट ये बता रहा है कि ये टाइम जो है ये रीजनल पार्टी का है और नेशनल पार्टी को समझने की बहुत जरूरत है। और जब तक नेशनल रीजनल पार्टी एक साथ नहीं आएंगे तो बीजेपी को खड़े होकर नहीं हो पाएंगे। इससे बहुत जरूरी है पूरे मुल्क के रीजनल पार्टी, स्मॉलर पार्टी ये तमाम मिलकर आगे बढ़े। और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बात की है कि पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग चेंज लाने की बहुत जरूरत है, इसलिए कि आज भी मसाइल है आपके तमिलनाडु में किसान के तौर पर गंगा इलाके में नौजवान को मदद इसलिए मांग किया गया कि वो पैर पर पैर रखकर बैठा। आज आप देखते हैं कि तमिलनाडु के विकरण में पुलिस जुल्म करती है और 13 लोगों की जाने गई है। अफसोस इस बात का होता है कि मासूम बच्ची भी उसके मुंह में गोली मार दी गई। ये तमाम वाकया के बता रहे हैं कि इस मुल्क में माहौल बना हुआ है कि जुल्म और बर्बरियत और हमारे मुल्क की बुनियाद को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बात को हम मैं फिर से साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सुनता हूँ करता हूँ। आज से गुजारिश करता हूँ कि रमजान के आखिर के जिलों में
ये मुबारक आती है, मुबारक महीना है। आप हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए, हिंदुस्तान की मजबूती के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए और हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम हिंदुस्तानी के लिए, खासतौर से मुस्लिम अकलियत के तहफ्फुज़ के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए, हमारी शक्लों की हिफाजत के लिए, हमारे बाप की मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, मजलूमों के साथ के लिए दुआ करते रहिए और अल्लाह जरूर इस माहे मुबारक में நிச்சயமாக காங்கிரஸ் அல்லாத பாஜக அல்லாத ஒரு ஆட்சி போகிறது.